ये बकरे हैं यहाँ पर, बकरे का लोट है। और ये सिरोही है, अजमेरी है और गुजरी है। और इनकी क्या उम्र है, कितने दांत के हैं, वो सारी डिटेल हम इनकी बताएंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? केसर टेपण। अच्छा, यहाँ की जो कौन सा गोट फार्म है ये? ये अपना खुशी टेपण गोट फार्म। सर यहाँ का एड्रेस बता दीजिए सर। हमारा एड्रेस है अपना पुष्कर से नागौर हाईवे पे, पुष्कर से बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पे अपना फार्म। तो ये कौन कौन सी ब्रीड है सर आपके पास? ये अपने पास सिरोही, सिरोही मेल है, 25 किलो 30 किलो के एवरेज, बढ़िया नाइस क्वालिटी वाली। ये कौन सा है? ये सिरोही का है। ये सिरोही मेल है, मेल है सर। कितने दांत का है ये? अंधाधा अभी बच्चा है। अच्छा, अदंत है? अदंत बच्चे हैं ये सब, पालने के लिए बच्चे। अच्छा, मतलब कि पालने के लिए तो काफ़ी हाई वेट का है ये, क्या गेन? 20 किलो का वेट है, अगली कंप्लीट बढ़िया हो जाएगा, एक नंबर। ये काफ़ी हष्टपुष्ट है ये, और अदंत है बच्चा है ना? अदंत महीने का होगा ये अभी? ये अपने 6 महीने के आसपास, 5 महीने 6 महीने के बच्चे हैं अपने। और जो सारे अच्छे क्वालिटी के, ये कौन सा है सर? ये वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ये अपना सोजत क्रॉस है सर। सोजत हाँ। कितनी उम्र का होगा ये? ये भी 5-6 महीने का ही बच्चा है। सब अंदर। अच्छा, तो वेट अदंत है ये ना? हाँ। दिखाना एक बार देखो। अच्छा, सब अंदर। वेट कितना होगा सर इसका? वेट 25-30 किलो का है ये सर। और उम्र क्या होगी अंदाजा नहीं है, क्योंकि अदंत है ये, तो उम्र 5-5 महीने 6 महीने अभी रख रहे हैं। ये कौन सा है सर? ये अपना गुजरी का है सर। अच्छा, गुजरी का। ये भी अदंत ही है? अदंत ही है। देखो सब बच्चे हैं सर, देखिए। ये तो मतलब अगली ईद के लिए होगा ये? हाँ। अब कितना वजन हो जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली? अगर इसको अच्छे से खिलाई पिलाई होगी ना सर, हाँ हाँ, तो इसका वजन मतलब 80+ ही जाएगा। 80+ ही जाएगा सर, है ना? हाँ। और क्योंकि सिरोही के अच्छे वजन के अंदर गेन करते हैं ना, सिरोही हर जगह हर मौसम में मतलब सूट हो जाए। ये कौन सा? तोतापुरी। ये अपना तोतापुरी है सर। ये तोतापुरी सुंदर है सर, एक बार पूरा ले लेते हैं उसकी फोटो। नाइस क्वालिटी कान देखो सर, एक नंबर क्वालिटी है। सर कान ऐसे करना सर, एक बार काफ़ी बढ़िया कान इसके, काफ़ी बढ़िया करना कान, काफ़ी लंबे कान है सर, एक नंबर क्वालिटी है सर। ये कितने उम्र का है ये? ये लगभग 7-8 महीने का सर। 7-8 महीने का। अदंती है बच्चा, अदंती है बच्चा, देखो दांत देख लो, सब बच्चे ही हैं सर अभी। अच्छा, और बताइए सर, ये सिरे बता दीजिए, ये सोजत? अच्छा, सोजत है ये? सोजत का, ये सोजत मेल है ना? ये कितनी उम्र का होगा? ये 4 महीने का बच्चा अभी। 4 महीने। ये भी अदंती है ना? हाँ। बच्चा ही अभी, बिल्कुल बच्चा। इसका कितना होगा वेट सर? इसका वजन है 20 किलो 22 किलो के आसपास। ये कितने उम्र का होगा? ये 6-6.5 महीने का बच्चा है सर। देखो लंबाई सिरोही है ना? हाँ, सिरोही है सर। सिरोही में 2 ही कलर होता है, एक तो ये चॉकलेट डब्बे वाला और एक चॉकलेट, दो ही कलर होता है सर। ये सब बच्चे ही हैं, अंधत बच्चे। इसका भी मतलब वेट अच्छा आ जाएगा? वजन अगर खिलाई पिलाई अच्छी होगी तो 80+ ही जाएंगे। इतने अपने पास जितने बच्चे हैं ना, एक नंबर क्वालिटी के। उम्र का होगा सर? ये 8 महीने का। 8 महीने का। 8 महीने का सर, ये तो काफ़ी अच्छा वजन है सर इसका। कितना वजन होगा इसका? इसका अभी 35 किलो के आसपास, 34 किलो 35 किलो। ये भी अदंती है क्या? हाँ, अदंती बच्चा ही है सर। ये काफ़ी अग्रेसिव है ये तो सर। देखो अदंत है। ये एक और तोतापुरी। ये तोतापुरी है? इसका अलग ही कलर है। तोतापुरी में एक तो ये कलर आता है, एक अभी पहले बताया ना। अच्छा, इसकी गर्दन अलग आती है और इसका शरीर में वाइट, ये वाइट है कलर। ये भी अदंती है? हाँ। सब बच्चे हैं, अगली ईद पालने के लिए अंधत बच्चे हैं सब। ये अपना ये सिरोही, ये सिरोही है। ये कितनी उम्र का होगा? ये 8 महीने के आसपास। ये भी अदंती है? हाँ। सब बच्चे हैं देखो, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। कितने होंगे सर बकरे आपके पास?
अभी अपने पास 50-60 बकरे हैं। ये 50-60 बकरे हैं, और ये कितने वजन की जा सकती है ये? अगर इसको अच्छे से रखेंगे, खिलाई पिलाई होगी तो 80 किलो 90 किलो। खिलाई पिलाई का क्या रखें इसका? अपने इधर हरी पत्ती, जौ, मक्का। हरी पत्ती कौन सी है? भैया वो ये अपना खेजड़ी का पेड़ होता ना, तो हमारे इधर उधर बाहर के ये जो ये हरी पत्ती का। अच्छा, हरी पत्ती और क्या इनकी खुराक है? बाजरा, मक्का, मतलब कृषि किया नहीं। अभी सब अंडूल है, हमारे अंडूल बकरे हैं। अंडूल है कृषि, हम अपन इस साइड में बहुत लेट करवाते हैं। जितना अपन लेट कृषि कराएंगे वो उतना ही ज़्यादा वजन पकड़ेगा बच्चे का। अच्छा अच्छा, अगर अपन बच्चे का, अगर 4 महीने के बच्चे का अगर कृषि करा लेंगे तो वो वजन कभी नहीं पकड़ेगा, ना हाइट पकड़ेगा। हमारे इधर राजस्थान में क्या है कि मतलब एक साल से बाहर होता है तभी कृषि करवाते हैं। अगला अगर उधर से नहीं लेके आता, हम इधर से ट्रांसपोर्ट से करवा देते हैं, अवेलेबल करवा देते, तो कोई दिक्कत नहीं। कई फार्मर होते हैं जो गारंटी देते हैं वहाँ तक पहुँचाने की, भाई इतने क्वांटिटी में तो उतने ही आपके पास जाएंगे, तो ये आपके करते हैं क्या? गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल देंगे अपना, कोई टेंशन नहीं है उसमें। बिल आप पक्का देते हैं ना? नंबर क्या है सर आपके? कॉन्टैक्ट नंबर 9929550840 और एक नंबर 9672010010। काफ़ी जो फार्मर्स होते हैं वो क्या जैसे ट्रांसपोर्ट का जैसे लेके जाते हैं ना, तो उनका बीमा करवा के देते हैं वो? तो इंश्योरेंस को कोई दिक्कत नहीं, वो करवा देंगे, हम भी करवा देंगे। कोई ऐसा कोई दिक्कत उसे अगर चाहती है कि हमारे इंश्योरेंस हो माल का तो करवा देंगे, उसमें कोई। वेट का कैसे हिसाब रहता है आपका? वेट कैसे करके देते हैं? वेट अपना कांटे पे करते हैं। अगर पाल्टी चाहती है, अगर धर्म काटा वो जैसे पाल्टी की सहमत हो, उसको जितना संतुष्ट करना है हमारे ग्राहक को, ऐसा अगर पाल्टी बोलेगी वैसे वजन करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आपका एक जगह संतुष्ट नहीं है तो दूसरी जगह करा सकते हैं, उससे तीसरी जगह, जितनी बार वो कराना चाहते हैं करा सकते हैं। जो अगली पार्टी है वो अपने हिसाब से संतुष्ट होके और वैसे चाहे जैसा वजन करवा सकते हैं, उसमें कोई अपने माल कहीं भी सप्लाई हो जाता है अपने होल इंडिया कहीं भी लेके जा सकते, कोई दिक्कत। क्वांटिटी में कम से कम अगर आप गाड़ी करवा के भेजते तो एक गाड़ी में कितना आ जाता है? मतलब पिकअप लेके जाएंगे अगर पार्टी तो उसमें 50-60 पीस आते हैं। जो पिकअप में 60 बकरा होता है, अपने डबल पार्टीशन होता है, और अगर बड़ी गाड़ी में आयसर में भेजेंगे तो 100 पीस के आसपास जाते हैं। उससे बड़ी गाड़ी जब बेचते हैं तो 200 पीस चले जाते हैं आराम से खुला खुला। तो बड़ी गाड़ी में और छोटी में क्या किराए में फ़र्क आता है क्या? बड़ी गाड़ी तो ऐसे मतलब दूरी के हिसाब से फिक्स किराया लेगा उसका, पुलिस खर्चा और टोल टैक्स सब उसी का रहेगा। और जब अपन बोले और पिकअप भेजेंगे तो उसमें क्या कि वो 12 रुपये पर किलोमीटर से लेता है, और टोल टैक्स पुलिस खर्चा पार्टी का अलग से रखता है उसमें, क्योंकि अपने पास बिल रहेगा और माल अपना तो एक नंबर को वैसा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको अभी इधर से अपन दे रहे हैं तो 30 किलो के आसपास दे रहे हैं, तो उधर उसके बाद में अगर अगली इतने का वजन जाएगा 80-90 किलो 100 किलो 100 से बाहर भी जा सकता है ना। अच्छा, रखने के ऊपर, खिलाई पिलाई के ऊपर। अच्छा।